अदादार को सभी हुसैन के हाथों का वास्ता, सभी अब्बास के हाथों का वास्ता, उसकी तमाम तर दुआएं मैं कबूल कर दिया। सारी कायनात को बड़ा जहां अदादार ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आवाज मालिक ने खास अपने हिस्सा जो अपने जिस ताक के हुसैनियत के खिलाफ मुहिम चलाए हुए मालिक उन ताकतों को पुलिस को लागू सामना कर रहे हैं हुसैनियत का, उनके पीछे जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं मालिक उनको पुलिस को लागू कर रहे हैं। सबसे बड़ी दुआ जो आज देश के लिए मेरे पास है कि दुआ तो हमारी आंखों के चलते नफ्स के चलते मालिक हमें हमारे पर्दे वाले वारिस की दया करें। मैंने कम अज कम इस मंबर से आज तक कोई जिक्र आले मोहम्मद का जिक्र करना तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने आले मोहम्मद से वफात की है उन लोगों का जिक्र करना भी उतना ही वाजिब है। मैं करबला के सैयद एक ऐसे मुजाहिद का जिक्र करना चाह रहा हूँ कि हुसैन बादशाह ने जिसके रंगो नस्ल को नहीं देखा, जिसकी अकीदत को देखा, के रंगो नस्ल की कीमत बाजार हुसैनियत में सैयद नहीं रही, जिसकी अकीदत की, जिसकी मोहब्बत की कीमत रही। माशाल्लाह मैं सही हुसैन बादशाह की उस बिल्कुल और सैयद एक इतहाई माजरत के साथ ये बड़ा मैं शुरू से ही सुनता आया हूँ कि हुसैन इतना करीम है अली का लाल के जो नीयत देखता है हैसियत नहीं देखता। हर वो बंदा जो इस बात पर यकीन रखता, मैं इंतहाई मादरत के साथ उसके आगे हाथ बांध के किसी का बेटा बन के किसी का भाई बन के गुजारिश कर रहा हूँ कि किस हद तक करीब है अली का लाल अंकल जी के जो ना नीयत देखता है ना हैसियत देखता है, ना नीयत देखता है सैयद, ना हैसियत देखता है। अगर किसी को मेरी बात पे इख्तलाफ हो तो मैं कह रहा हूँ पूरी कायनात में एक नजर मार के देखो कितने बद नीयत ऐसे हैं जो हुसैन का लंगर खा रहे हैं। क्या बात है सैयद, जो वरना कोई बद नीयत ऐसा ना होता जो हुसैन के दरबार में। गुफ्तगू शुरू करें। काफी अरसे से एक जात है दोस्तों, मेरे कसरे तखय्युल में मेहमान है। कसरे तखय्युल जीते रहो बेटे, जीते रहो। मैं तीन मिसरे आपको सफर कराऊंगा और चौथे में उस बंदे का, उस हस्ती का, उस शख्सियत का तारुफ कराऊंगा। काफी अरसे से एक जात है दोस्तों, मेरे कसरे तखय्युल में मेहमान है। 14 सदियां गुजरने के बाद आज भी उसकी आंखों में करबल का मैदान है। किसी का नाम नहीं बताऊंगा, तवज्जो करना। काफी अरसे से इज्जत है दोस्तों, मेरे कसरे तखय्युल में मेहमान है। 14 सदियां गुजरने के बाद आज भी उसकी आंखों में करबल का मैदान है। नासिराने हुसैनी की फहरिस्त में, नासिराने हुसैनी की फहरिस्त में वो ही अपने कबीले की पहचान है। उसकी तारीफ में कम से कम भी लिखूं उस पर शब्बीर का औन लिखता हूं मैं। उसकी तारीफ में कम से कम भी लिखूं, उसकी तारीफ में कम से कम भी लिखूं उसको शब्बीर का औन लिखता हूं मैं। नासरे किब्रिया मेरे इमदाद कर लिखने बैठा हूं तो जौन लिखता हूं।
وقت سید میرے دماغ میں آیا, میرے ذہن میں آیا, وہ رات جو ظاہری آخری رات تھی ورنہ پہلی رات تھی. ظاہری آخری رات تھی ورنہ پہلی رات تھی. بس اس رات کو حسین بادشاہ نے کیا کیا, ہر مددگار خیمے میں ابن علی نے اکٹھا کیا اور کہنے لگے. ہوں میں پڑھنا نہیں, ہوں میں تن ایک شہ بخانی, جس کو نظر آ جائے اس نے حق نہیں رکھنا, جس کو نہ نظر آئے اس سے میرا گلہ نہیں بنتا. ہر مددگار خیمے میں ابن علی نے اکٹھا کیا اور کہنے لگے, کبریا مصطفیٰ مرتضیٰ فی الوفا, ان پہ خطبہ دیا اور کہنے لگے. اور کہنے لگے, کبریا مصطفیٰ مرتضیٰ پھر وفا, ان پہ خطبہ دیا اور کہنے لگے. سب کے ہاتھوں میں جنت کی چابی بھی تھی, سب کے ہاتھوں میں جنت کی چابی بھی تھی, پھر بچھایا دیا اور کہنے لگے. بچھایا دیا جا
صاحب کے سب اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے, ہوا کیا جب چراغ مبتت جلایا گیا, جب چراغ مبتت جلایا گیا ایک ناصر بھی کم نہ تھا انصار نے. چراغ مبتت کیوں کیوں اسے نے بتا دیا کل موت ہے, کل بھوک ہے, پیاس ہے, زخم ہے, جان دینی پڑے گی, پھر بھی کوئی نہیں جا رہا. جب چراغ قدابار کو بخش دی شاہ نے نہیں
अब उससे थोड़ा जरा जॉन के देखो उससे पहुंच के उसके आंसू ये शाह ने कहा अब मौला उसको अपने फजाइल पढ़ के उसके फजाइल सुनता है पहुंच कर उसके आंसू ये शाह ने कहा हम सभी आज की शब के मेहमान हैं। अब दारू देखना और सरकार का जॉन को तसल्ली देने का तरीका देना चाहिए। पहुंच के उसके आंसू ये शाह ने कहा हम सभी आज की शब के मेहमान हैं उस घराने से हूँ जिसके हर फर्द के जात तौहीद पे ढेरों एहसास हैं। हम पैगंबर सहायफ हैं इल्हाम हैं हम पैगंबर सहायफ हैं इल्हाम हैं हम ही तौरात और इंजील और कुरान हैं। Yeah.
बहुत
اللہ ہو نام مکمل ہے یہ کربلا اللہ ہو نام مکمل ہے یہ کربلا اللہ ہو نام مکمل ہے یہ کربلا حسین نے دیکھا جون کی طبیعت ابھی وہ مطمئن نہیں ہو رہی حسین فرماتے ہیں یہاں حق اور باطل میں ہے مارکہ یہاں حق اور باطل میں ہے مارکہ جسے حق نے سراہا ہو آیا ہے پڑھتے پڑھتے
समुंदर जो तुसी मोती कर दे अपने अंदर से आज सदा शबे आशूर की गुफ्तगू याद है। अब इस याद है मैं बात है आखिरी शहर से और जिक्र मैं नंबर छोड़ दूंगा। जॉन वो अपने अंदर से आई सदा शबे आशूर की फजाइल पढ़ रहा हूँ, मसाइब नहीं पढ़ रहा, मसाइब किबला पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ूंगा। जॉन को अपने अंदर से आई सदा शबे आशूर की गुफ्तगू याद है, आज फजंदे ज़ारा ने करना है जो अपने तत्हीर खून से वुज़ू याद है। जंजीर ना मारो, खून निकलता है नमाज कजा हो जाती है। वो कौन सी नमाज है जिसमें 10 बार हमको कजा होती है? मुहिम चली, हाँ शेख साहब मुहिम चली, ब्लड बैंक को खून दो, ब्लड बैंक को खून दो, किसी मरते की जान बचेगी। ये जो आप जंजीर मारते हैं आपका खून बह जाता है, इसका हुसैन को क्या फायदा? मैं हर उस मौलवी को कह रहा हूँ जो कह रहा है कि जंजीर मार के आपको खून बह जाता है, उसका हुसैन को क्या फायदा? मैं उनसे कहता हूँ हज पे जाता हूँ बकरे लेते, बकरों का अल्लाह को क्या फायदा? वो भी इकट्ठे करके किसी गरीब सैयद दादी की शादी कराओ, सैयद दादी की शादी सिर्फ मजलिस के पैसों से होती है। मातम उर्सा होता है जिसमें खून का निकलना वाजिब है, कमा का मातम है, जंजीर का मातम है, सीने का मातम है जिसमें खून निकल आता है। मुझे वो बताएं मौलवी जी, कहते हैं जंजीर ना मारो, ब्लड बैंक को खून दे दो, किसी मर्दे की जान बचेगी। कोई दिखाए साल के 364 दिन हमने भी किसी नमाजी को पकड़ के कहा वाह भाई जंजीर मार, जंजीर नाम को पकड़ के मसले की तरफ लेके जाया जाता है। कोई साजिश चल रही है और क्या गारंटी कि मेरा जो खून है किसी शिया भी लगेगा, किसी तालिबान को भी लग सकता है, किसी ऐसे को लग जाए, उसामा बिन लादेन को लग जाए, कोई बंदूक लेके मेरी ज़ियारत रोकने के लिए आ जाए। ये बातें सिर्फ मिंबर पे करने की नहीं है, जहां पे भी हुसैनियत का माहौल सजे वहां पे ये बातें। जॉन को अपने अंदर से आई सदा शबे आशूर की गुफ्तगू याद है, आज फर्जंदे ज़हरा ने करना है जो अपने तत्हीर खून से वुज़ू। हुसैनियत का खून तत्हीर हो जाता है। आज फर्जंदे ज़हरा ने करना है जो अपने तत्हीर खून से वुज़ू। याद है दो मिसरे पे तवज्जो करना काफिए पे, और याद है आएगा एंड में उसकी बनावट, उसका जो एक कंट्रास्ट है उस पर तवज्जो करनी है। आज फर्जंदे ज़हरा ने करना है जो अपने तत्हीर खून से वुज़ू। याद है तेरे हमलों की शिद्दत से ज़ाहिर है के तुझे इब्ने अली का अदू याद है। तेरे हमलों की शिद्दत से जाहिर है कि तुझे इब्ने अली का अदू याद है। देख कितना बड़ा दिल है शब्बीर का, तू है नौकर उसे फिर भी तू याद है। अंदर से आई है जंग के दौरान, देख कितना बड़ा दिल है शब्बीर का, देख कितना बड़ा दिल है शब्बीर का, तू अल्लाह पर उसे फिर भी तू याद है। जो उनको अपने अंदर से अपने लिए आवाज आई हर मुकद्दस नमाजी की पेशानी पे, हर मुकद्दस नमाजी की पेशानी पे शाह झूमर सजाएगा खाके शिवा। हर मुकद्दस नमाजी की पेशानी पे, हर मुकद्दस
उम्र से जाएगा, उसको अपना लहू हदिया बनाएगा।